मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास आज होगा। मखसूस नशस्तों के अलाटमेंट से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर गौर किया जाएगा। नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट और अदालती फैसले से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर स्पीकर ने कमीशन को खत भेजा था, याद दहानी कराई गई। आईनी तरमीमी बिल 2024 मंजूर हो चुका। इलेक्शन कमीशन जल्द खातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशस्तों के हवाले से फैसला करे। पार्लियामानी रहनुमाओं ने स्पीकर से मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट ना होने पर तशवीश का इजहार किया है। इस पर बात करेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक की जानब से इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर याद दहानी का खत लिखा गया था और वो खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ, जिसके बाद अहम इजलास जो है वो बुला लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में जो स्पीकर कौमी असम्बली का खत है वो मेंबरान कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। स्पीकर के लिखे गए खत का तफसीली जायजा लिया जाएगा और स्पीकर ने अपने खत में इलेक्शन एक्ट 2024 का हवाला देते हुए जो मखसूस नशस्तें हैं वो फौरी तौर पर अलर्ट करने की इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इलेक्शन एक्ट पर जो है वो इलेक्शन कमीशन अमल करे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया कि आपको पहले भी ये खत लिखा लेकिन उसका अब आपने अभी तक जवाब नहीं दिया और ये याद दहानी का खत जो है वो लिखा जा रहा है। और अब इलेक्शन कमीशन आज जो इजलास अहम करने जा रहा है उसमें स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लेकर उसको जवाब देंगे। जी।